I am Raju Thakur. मैं जैन के स्टेट से हूँ. मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एक छोटे से गांव सुंदर दक्षिण में रहता हूँ. अभी हम यहाँ पे कलनू में हैं. यहाँ पे बहुत से फ्रूट पाए जाते हैं जो कि ताज़े ताज़े हैं. ये देखिए, ये बी हैं, इसे कश्मीर में भमसूट भी बोलते हैं, और इसे खाने में बड़ा मज़ा आता है. इसकी इसे भूनकर भी खाया जाता है, और ये मंदिरों में प्रसाद के लिए भी काम आता है. रोहित, और ये किस काम आते हैं? और ज़्यादातर ज़्यादातर तो ये एक तो खाते हैं, और क्या इसकी सब्जी भी बनती है? हाँ, बनती है. ये सुनने में आया कि ये खट्टे सेब और इसको मिला के सब्जी बनती है. ये कश्मीर में इसका ये जो खट्टे सेब है, इनकी सब्जी बनाई जाती है. बड़ी टेस्टी सब्जी होती है, जो कि इंडिया में जम्मू कश्मीर स्टेट के अलावा कहीं पे भी नहीं पाई जाती है. ये बहुत अच्छी है, और आप देख सकते हैं ये पहले ग्रीन होती है, उसके बाद ये जब पक जाती है, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा होता है. अब रोहित से जानने की कोशिश करेंगे और ये किस किस काम आती है. सुनने में आया कि इसका जो बीज होता है, पहले ज़माने में इसका बीज जो होता था, इसको सुखाया जाता था, जो कि दवाई भी बनती थी. और किस किस काम आती है ये? सुनने में आया कि यहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और इसको सुखाया जाता है. सुखा के खाया जाता है, फिर सर्दियों में भी इसको खाने के लिए. ये लो. और सुनने में आया कि यहाँ जो सेब है बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होते हैं, जो गाय वगैरह को खिलाए जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रीज के लिए, फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा है. इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ की जन यहाँ की जो आबादी है वो बहुत कम है, तो उतना इस्तेमाल में नहीं होता और ये वेस्ट हो जाता है. आप देख सकते हैं इधर ये सेब बिल्कुल नीचे पड़े, आधे उधरी है, कोई उतारता नहीं. जितने हो सकते हैं वो उतार दिए हैं, और ये अब ज़ाया हो जाते हैं. जबकि बंदर भी खाते हैं तब भी इतने वेस्ट होते हैं.